आज रावड़ी में जो हमने चित्रकला और निबंध स्पर्धा आयोजित की थी, इसका उद्देश्य ये था कि भारत के स्वतंत्र संग्राम में हमारे जो देशभक्त थे, हमारे स्वतंत्र सैनिक थे, उन्होंने किस प्रकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसका उसके बारे में बच्चों के अंदर जागृति निर्माण करने के लिए हमने राबोड़ी में निबंध स्पर्धा और चित्रकला स्पर्धा आयोजित किए गए थे। इसमें हमने बच्चों को टॉपिक दिया था कि भारत के स्वतंत्र संग्राम में कांग्रेस का योगदान, ये एक टॉपिक था। इंदिरा गांधी, ये एक टॉपिक था। उसके बाद में स्वतंत्र के लिए जो जो देशभक्ति लोगों ने अपने योगदान दिए थे, उनके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन के बारे में बच्चों को टॉपिक दिया था। तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लगभग 150 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस जो हमने प्रोग्राम अरेंज किया था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे देशभक्तों ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में जो हिस्सा लिया था, उनकी आहुति जो उन्होंने आहुति दी थी, उसको स्मृति जो है फिर से हमने जागरूक किया और हर बच्चों के दिल में और उनके घर वालों के अंदर देशभक्ति की जो प्रेरणा थी वो जागृत हुई है। बच्चों ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया। बच्चे अभी नए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आज़ादी के बारे में मालूम थोड़ी गई। इस एसे के लिखने के लिए उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी मालूम की, जिनसे उनको मालूम हुआ कि देश देशभक्त लोग जो है, जिन्होंने अपनी आहुति दिए, उन्होंने ये आज़ादी के लिए बहुत बहुत कुछ सहा, और यही आज़ादी को अपने को टिका के रखना है। और इस वजह से उनके में उत्साह पैदा हुआ और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बच्चों में आज़ादी के बारे में एक न्यूज़ जो देशभक्ति की न्यूज़ जो डालनी थी, उस पर इस प्रोग्राम से डाला गया। 15 अगस्त के रोज राष्ट्र ध्वज का सम्मान को देखते हुए हमारे इस इलाके में जावेद वकील साहब के नेतृत्व में, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे कार्य अध्यक्ष एडवोकेट जावेद वकील साहब के नेतृत्व में यहाँ पर तिरंगा जागरूकता निर्माण करने के हित से एक कैंपेनिंग, एक कार्यक्रम लिया गया, पेंटिंग का कार्यक्रम, उसका आयोजित किया हुआ कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन लोगों को बहुत सारी सफलताएं मिली और उनको भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में बहुत सारी मालूम दी गई जो इतिहास में आज के तारीख में बताया नहीं जा रहा है। बच्चों को प्यार देश के भक्ति के हित में करने का हमारे इस कार्यक्रम का हेतु था, उद्देश्य था हमारा, वो हम लोग को करने में सफलता मिली और कशीर तादाद में, एक लामहदूद तादाद में बच्चों ने शिरकत हासिल की और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और हमें ये सफलता करते हुए हमको एक बहुत खुशी महसूस हुई कि हम अपने देश के लिए, हम हमारे इलाके में अपने देश के झंडे को, तिरंगे को हर घर पे लगाने का जो मुहिम था प्रधानमंत्री साहब के योजना के हिसाब से, जो हमको जो मिली हुई गाइडेंस थी, उसको हम हर घर तिरंगा फैलाने में कामयाब रहे और बच्चों के दिलों में भी वो झंडा हम लोग लगाए, ताकि आने वाला इतिहास उनको कभी वो मिटा नहीं सकते वो अपने दिलों से। ये करने में हमारे एडवोकेट वकील साहब और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे चीफ गेस्ट बने हमारे बम्बाड़े साहब, जज साहब हमारे बीच में हमारे हाजिर हुए और इन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वती से, कार्याध्यक्ष होने के वती से, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।